नमस्कार, मैं केशव कुमार झा, आप सभी का स्वागत है बिहार झारखंड का नंबर वन यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज में। अभी हमारे साथ हैं बिहार के जमुई लोकसभा सीट से एनडीए के तरफ से लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार चिराग पासवान जी। भैया, सबसे पहले सवाल मेरा यही रहेगा, हाउ द जोश? जोश इज हाई, आई थिंक आप भी देख ही रहे होंगे, आप भी जितना घूम रहे होंगे और जितना मैं भ्रमण कर रहा हूँ। और विश्वास दो कारणों से है, एक जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो डबल इंजन की सरकार डेढ़ साल दो साल से प्रदेश में काम कर रही है, उसका भी एक कारण है जोश का। और जो मैंने एक सांसद होने के नाते कार्य किए हैं पिछले 5 साल में अपने क्षेत्र में, तो ये दोनों चीज़ें मेरा विश्वास दिलाती हैं कि जोश इज हाई और रिजल्ट अच्छा हो। चिराग पासवान जी, इस बार जमुई के क्षेत्र में किन मुद्दों के साथ वोट मांगने के लिए उतरे हैं? देखिए, मुद्दे मैं अपने काम के आधार पर ही मैं लोगों से उनका आशीर्वाद मांग रहा हूँ। पिछले 5 साल में मैंने ईमानदारी से क्षेत्र में मैंने काम किया है। छोटी बड़ी तमाम योजनाएं मेरी सांसद निधि के माध्यम से तो जो योजनाएं गई हैं वो तो एक तरफ वो तो नॉर्मल है कि छठघाट, आपका सामुदायिक भवन, आपकी स्ट्रीट लाइट, चापाकल, ट्रांसफार्मर, ये सब तो योजनाएं जाती जाती हैं। पर उसके अलावा मुझे लगता है कि 2014 में जब जमुई लोकसभा की जनता ने मुझ पर विश्वास किया तो उन्होंने सिर्फ नली गली के लिए नहीं, उससे ऊपर सोचकर उन्होंने मेरा समर्थन किया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और उसी आधार पर मैं उनसे उनका आशीर्वाद मांग रहा हूँ। पिछले 5 सालों में मैंने केंद्रीय विद्यालय, 25 साल हो गए थे जमुई को जिला बने हुए, एक भी केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर नहीं था। पहला केंद्रीय विद्यालय हमारे जमुई जिला में खुला, राज्य केंद्र सरकार की योजना थी 5 मेडिकल कॉलेज को लेकर, तमाम आसपास के सांसद लगे हुए थे किसी तरीके से मेडिकल कॉलेज उनके क्षेत्र में जाए, उनकी लोकसभा में जाए। पर मुझे खुशी है कि उन 5 मेडिकल कॉलेज में से एक मेडिकल कॉलेज यहीं हमारे जमुई जिला में खुलने जा रहा है, हमारी जमुई लोकसभा में खुलने जा रहा है। उसके अलावा अगर आप बात करें किसानों की, तो FCI का हम लोगों ने यहाँ पर एक डिविजनल ऑफिस खुलवाया है। अब हमारे किसान साथियों को दूर दराज दूसरे जिलों में नहीं जाना पड़ेगा। और साथ ही में जो कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ पर पूरी तरीके से समाप्ति की कगार पर था, बंद होने लगा हुआ था, उसको हम लोगों ने पुनः सुचारू रूप से हम लोगों ने चालू कराने का हम लोगों ने काम किया। उसके अलावा रेलवे का यहाँ पर काफ़ी काम हुआ है। जमुई रेलवे स्टेशन मुख्यालय की अगर आप लोग आज से पहले की हालत देखते जिस जर्जर स्थिति में है, और अब अगर आने वाले समय में आप उसको देखेंगे, तमाम सौंदर्यीकरण से लैस, तमाम आधुनिकीकरण से लैस, लगभग 8 करोड़ रुपए की राशि से हम लोगों ने वहाँ पर नए टिकट काउंटर खुलवाने के, वहाँ पर काम चल रहा है, वहाँ पर नए शौचालय बन रहे हैं, वेटिंग लाउंज वहाँ पर बन रहा है, शेड वहाँ पर बन रहा है, बैठने के लिए बेंचेस बन रहे हैं, पेयजल की वहाँ पर हम लोग बेहतर व्यवस्था करवा रहे हैं। उसी के साथ झाझा जो रेलवे नगरी के तौर पर जाना जाता है, वहाँ पर एक लंबे समय से फुटओवर ब्रिज की एक मांग थी, क्योंकि वो ब्रिज इतना संकरा है कि कभी भी कोई अप्रिय घटना वहाँ पर घट सकती थी। तो उस रेलवे स्टेशन पे भी लगभग 55 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ पर फुटओवर ब्रिज, एक भवन का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ था वो पूरा हो रहा है, मेमो शेड विस्तार का कार्य वहाँ पर चल रहा है। उसके अलावा चकई विधानसभा जो पूरी तरीके से मुख्यधारा के साथ कटी हुई थी, कोई कनेक्टिविटी ही नहीं थी वहाँ पर, और विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कनेक्टिविटी हो वहाँ पर, तो उसके लिए हम लोगों ने वहाँ पर लगभग 2800 करोड़ रुपए की रेल परियोजना हम लोगों ने पारित करवाई, जिसके पहले चरण का निर्माण कार्य भी वहाँ पर शुरू हो गया। कुछ समय पूर्व रेल मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी वहाँ पर आए थे और पहले चरण में 496 करोड़ रुपये की लागत से हम लोग झाझा से लेकर सोनो, सोनो से बटिया, बटिया एक मुझे लगता है देश का पहला एक ऐसा अनोखा आदर्श ग्राम होगा जो कि आदर्श ग्राम घोषित होने के बाद रेल मार्ग से वो जुड़ने जा रहा है। तो पहले चरण का उस पर कार्य भी शुरू हो गया। इसके अलावा पासपोर्ट ऑफिस खुलवाना और विभिन्न और कार्य तो मैंने पिछले 5 साल में कार्य किया है, नीति आयोग ने भी इसको सराहा है। अच्छा, स्थान मिला है टॉप फाइव में हमारा जमुई है, और ये टॉप फाइव मूल्यांकन देश भर के जिलों का है। ये सिर्फ बिहार के 38 जिलों का मूल्यांकन नीति आयोग ने नहीं किया, देश भर के जितने जिले हैं जहाँ पे विकास के कार्य उसमें टॉप फाइव में हमारा जमुई जिला है। 99वें पायदान पर था, 9वें पायदान पर आ गया। अब अगले 5 साल में इसको पहले स्थान पर लेकर जाना मेरी प्राथमिकता होगी। इस बार रामविलास पासवान जी खुद चुनाव नहीं लड़ रहे, क्या उनकी राजनीति में सक्रियता कम हुई, इससे लेकर आपको खेद है? नहीं, बिल्कुल उनकी कोई सक्रियता कम नहीं हुई, बल्कि उनकी सक्रियता बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और संसदीय बोर्ड का ये निर्णय कि वो राज्यसभा में जाएं बनिस्पत लोकसभा में चुनाव लड़ने के, उसके पीछे कारण भी यही रहा है कि हम लोग का एक बड़ा जनाधार है उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, पंजाब में, हरियाणा में, कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी अपना प्रभाव रखती है, और हम लोग वहाँ पर अगर चुनाव लड़े तो अपने प्रत्याशियों के लिए नहीं तो गठबंधन के तमाम प्रत्याशियों के लिए हम लोग वहाँ पर एक अच्छा प्रदर्शन हम लोग कर सकते हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम वहाँ पर बहुत बड़ा है। पर जब वो अपना लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो सीमित हो जाते हैं
अपनी लोकसभा में, तो इस बार हम लोग उनका ज्यादा उपयोग कर सके विभिन्न और राज्यों में, इसलिए संसदीय बोर्ड का ही आग्रह था। आज भी जैसे आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का नामांकन है तो उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए हुए हैं, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब ज्यादा प्रचार कर सकते हैं, ज्यादा घूम सकते हैं, तो उनकी सक्रियता कम नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ी है इस निर्णय के बाद। आपके सामने जमुई में महागठबंधन से भूदेव चौधरी जी, आपके सामने तो कठिनाई बढ़ी है या घटी है पिछले चुनाव के तुलना में? देखिए मैं ईमानदारी से बोलूंगा कि मैं मेरी चुनौती मेरी खुद से है, मैंने 2014 में एज अ प्रत्याशी जो मैंने वादे किए थे उनको पूरा करना ही मेरी चुनौती थी। मेरे ओपोनेंट कौन है, मेरा प्रतिद्वंदी कौन है, ना मैं उन पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ, ना मैं उनका जिक्र करता हूँ, ना चर्चा करता हूँ, मेरा कोई भी भाषण देख लें एक शब्द मैं अपने विरोधियों के बारे में नहीं बोलता, क्योंकि मुझे विश्वास इतना है अपने किए हुए कार्यों पर। और मेरे सामने जो महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, जनता ने उनका भी 5 साल का कार्यकाल देखा हुआ है, 2009 से 2014 तक वही यहाँ के सांसद थे और 14 से 19 तक मैं सांसद हूँ। मुझे लगता है जनता के पास एक कंपेयर करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए बहुत सारे कारण हैं और जनता जो भी निर्णय लेगी सोच समझ के लेगी। जमुई की धरती पर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, किस तरह से तैयारी चल रहा है? देखिए भव्य तैयारी हो रही है और मेरे लिए और जमुई की जनता के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। मुझे नहीं पता कि आखिरी बार जमुई में कौन प्रधानमंत्री आए थे, जब मैं जनता से पूछता हूँ तो बोलते हैं कि भैया इंदिरा जी आई थी कभी जब वो प्रधानमंत्री थी, कुछ लोग कभी कभी चंद्रशेखर जी का भी नाम लेते हैं बट कहते हैं कि नहीं वो प्रधानमंत्री बन नहीं थे उस वक्त जब वो आए थे और किसी व्यक्तिगत कार्य में वो आए थे। तो बहरहाल मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता कि दशकों से यहाँ पर कोई प्रधानमंत्री के कदम नहीं पड़े और मेरे लिए बहुत बड़े गर्व और खुशी की बात है कि हमारे देश के सबसे मजबूत और दुनिया के सबसे ताकतवर नेता वैसे शख्स जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो जमुई की धरती पर आ रहे हैं। जमुई बिहार के सबसे पिछड़े जिलों में शरीक होता था, बहरहाल अब काफ़ी आगे बढ़ा है, पर मुझे लगता है कि उनके आने के बाद जो विकास की गति है जमुई के लिए वो और तेज़ हो जाएगी। आपके जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान जी अपनी हार को देखते हुए मोदी को कैंपेन करने के लिए बुला रहे हैं। आप बताइए मेरी हार हो रही है क्या यहाँ से? आप भी तो घूम ही रहे हैं। बस तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी इनसिक्योरिटी है और मेरे प्रधानमंत्री हैं उनसे युवाओं का वो ध्यान रखते हैं। पिछले 5 साल में बहुत करीबी से मैंने उनके साथ काम किया और बहुत एक अच्छा संबंध उनके साथ बना है मेरा और निरंतर उन्होंने मेरा साथ दिया, उन्होंने मेरा सहयोग दिया है। जब NDA गठबंधन का हिस्सा भी मैं बना तो सिर्फ और सिर्फ हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एकमात्र कारण थे कि हम लोग इस गठबंधन में आए, तमाम युवा उनके साथ जुड़े और वो युवाओं का विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं। और मुझे लगता है कि एक युवा प्रत्याशी होने के नाते ही एकमात्र यही कारण है कि वो मेरा मुझे प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। 2014 की लोकसभा चुनाव की तुलना 2019 की लोकसभा चुनाव की तुलना को आप किस तरह देख रहे हैं? फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है। 2014 से बहुत ज़्यादा मजबूत लहर मोदी जी की लहर इस बार के चुनाव में है। कुछ लोग कहते हैं कि भैया 2014 में ज़्यादा लहर थी, इस बार शायद लहर कम हुई और इसका कारण भी है केशव। 2014 में अगर मैं बोलूं वो लाभार्थी नहीं थे जो केंद्र सरकार की 5 वर्ष में बनाई गई योजनाओं के इस बार हैं। उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, आयुष्मान योजना के लाभार्थी हैं, जितनी भी गांव में जो विद्युतीकरण का कार्य हुआ है उसके लाभार्थी हैं। कई ऐसी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिनके लाभार्थी पिछले 5 सालों में बने हैं और जो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अभिवादन करते हैं, जो कि 2014 में नहीं थे। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि 2019 का और ये अंडरकरंट भयंकर है। कुछ लोग मुझे लगता है कि शायद उसको भाप नहीं पा रहे हैं, पर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा आप सब लोग कहते हैं कि वो मौसम वैज्ञानिक हैं और उन्हीं का ही कहना है ये कि 2024 तक तो कोई वैकेंसी नहीं है हमारे प्रधानमंत्री पद के लिए। तो 2014 से ज़्यादा बेहतर परिणाम, और बिहार की अगर मैं बात करूँ पिछली बार हम लोग 31 सीट जीत कर आए थे और इस बार अगर हम लोग 40 की 40 सीट भी अगर हम लोग जीते तो कोई आश्चर्य नहीं है। सर गिरिराज सिंह जी नाराज चल रहे थे आपसे, लेकिन हालांकि वो बेगूसराय चुनाव लड़ने के लिए चले गए हैं। देखिए गिरिराज जी मेरे लिए बहुत सम्मानित हैं, बहुत आदरणीय हैं, मेरे उनसे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं, वो मुझे एकदम अपने बेटे की तरह मानते हैं, उसी तरीके से मेरा मार्गदर्शन करते हैं। कई बार घंटों घंटों हम लोग की बैठ कर बातचीत हुई है। ये एक बहुत बड़ा कारण था कि जिस दिन उनकी नाराज़गी की खबर मेरे संज्ञान में आई मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया था। उनकी किसी भी नाराज़गी या किसी भी दुख की वजह मैं या मेरी पार्टी हो ये मुझे बर्दाश्त नहीं है और इसीलिए जिस दिन पहले दिन मुझे खबर मिली उस दिन भी मैंने उनसे फ़ोन पे बातचीत की, उसके बाद पुनः मैंने उनसे फ़ोन पे बातचीत की और मैंने उनको स्पष्ट रूप से मैंने कहा कि सर अगर आप नवादा से लड़ना चाहते हैं तो मेरे लिए आप प्राथमिकता हैं, आप चाहेंगे मैं सीट बदलने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और नवादा सीट तो मैंने मांगी भी नहीं, मुंगेर की एक सीट जो हम लोगों से मांगी गई थी, जो कि कारण भी बिल्कुल सही है, मुंगेर
से जनता दल यूनाइटेड के एक वरिष्ठ नेता ललन जी वहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं, लड़ना चाह रहे थे और हम लोग भी वो सीट उनके लिए देने को तैयार थे। उसके एवज में हम लोग को एक और सीट चाहिए थी, तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही हम लोग को प्रस्ताव दिया गया था कि आप नवादा की सीट लेना चाहेंगे क्या। हमारे लिए विन विन सिचुएशन थी क्योंकि नवादा हम लोग पहले लड़े भी हैं, जीते हैं, हम लोग वो सीट हम लोग के खाते में पहले भी रही है। पर उसके बाद जब इनकी नाराजगी की खबरें आई तो मेरे लिए चिंता का विषय बना। मैंने इनसे फ़ोन करके कहा कि अगर आप चाहें तो मैं सीट बदलने को तैयार हूँ, पर उस पर उन्होंने कोई ऐसी बात कही नहीं, उन्होंने नहीं कहा कि वो सीट बदलना चाहते हैं कुछ ऐसा, बल्कि उन्होंने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि बहुत कम राजनीति में ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा व्यवहार दिखाते हैं, और जिस तरीके से चिराग जी आपने सामने से फ़ोन किया, मैं उम्र भर में आपका कायल रहूँगा इस बात के लिए। बहुत सारा उन्होंने आशीर्वाद दिया और अभी कुछ दिनों पूर्व जैसे ही वो पटना आए आते ही उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया और उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि मैं बेगूसराय आऊँ, वहाँ पर हमारा संगठन अच्छा है, हमारा कैडर वहाँ पर मजबूत है, तो उन्होंने कहा कि मैं बेगूसराय जाऊँ और उनके लिए प्रचार करूँ, जो कि मैं ज़रूर अपने चुनाव प्रचार के बाद मैं ज़रूर वहाँ पर भी जाऊँगा। लेकिन उनके सामने कन्हैया कुमार है तो थोड़ा जीतने में तो कठिनाई होगी ना। देखिए युवा हैं, आप भी युवा हैं। देखिए पर मुझे लगता है मैंने हमेशा इस बात को मैंने कहा है कि युवा जोश के साथ साथ अनुभव का होना बहुत ज़रूरी है। कन्हैया जी की कार्यशैली पिछले दिनों जो मीडिया के माध्यम से मैंने देखी, जोश है बट होश कभी कभी जोश में खोने वाली बातें उनकी तरफ से हम लोग को देखने को मिलती हैं। बट बहरहाल वो उनकी राजनीति है, उनकी अपनी कार्यशैली है, बट उनके सामने गिरिराज सिंह जी जैसे एक अनुभवी और पुराने राजनेता हैं। मुझे लगता है कि उनके अनुभव को कन्हैया जी कितना टक्कर दे पाएंगे ये समय ही बताएगा, बट जितना मैं समझ पा रहा हूँ मुझे लगता है गिरिराज सिंह जी की जीत सुनिश्चित है बेगूसराय से। आप एक युवा हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव में जमुई के युवाओं के लिए क्या प्लान है आपका? देखिए 2019 के बाद, बल्कि मैं 2014 से 2019 के बीच में ही पिछले 5 साल के अपने कार्यकाल में ही मैं ये करना चाहता था। मैंने कई लोगों से मैंने बात भी की, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज आएँ, जम्मू में इंडस्ट्रीज का आना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर फैक्ट्रीज का खुलना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ का भूगोल ऐसा है कि ज़मीन उपलब्ध है यहाँ पर, मतलब उसकी भी कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी। पिछले 5 साल भी मैंने प्रयास किया बट जिन भी लोगों से मैंने बात की वो निवेश करने से थोड़ा सा घबरा रहे थे, क्योंकि जमुई थोड़ा नक्सल प्रभावित है, सुरक्षा का अभाव उन लोगों को महसूस हो रहा था और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर नहीं था, बिजली की समस्या थी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं थी, सड़क मार्ग ठीक नहीं था। तो पिछले 5 सालों में मैंने ये भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंटैक्ट करने का मैंने प्रयास किया, उसको भी मैंने सुधारने का प्रयास किया, और अब जब मैं उन लोगों से बात करता हूं तो पिछले 5 सालों में परिस्थिति बहुत ज़्यादा बदली है। जिस तरीके से मीडिया के लोग अब जमुई को दिखाने लगे हैं, आप सब यहां पर आते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं, तो ये जमुई की चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं एक सुरक्षा का भाव जो निवेशक हैं उनके भी मन में आता है। और अगले 5 साल में यही मैं जनता से मैं वादा भी कर रहा हूँ इन 5 सालों के लिए कि इंडस्ट्रीज़ लेकर आऊँगा, फैक्ट्रीज खुलवाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि इंडस्ट्रियल हब एज वेल एज एजुकेशनल हब, यूनिवर्सिटीज़ खुले, महिला कॉलेज के प्रति मेरी प्राथमिकता ज़रूर होगी, अधिक से अधिक महिला कॉलेजेस यहाँ पर खुलें अलग और यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर आएँ। लछवाड़ का एक इलाका है जो सिकंदरा हमारी विधानसभा में पड़ता है, भगवान महावीर का की जन्मस्थली है वो, वहाँ पर कई ऐसे जैन समुदाय के लोग हैं जो इस तरीके की योजनाएँ लाना चाहते हैं जिनसे मैं निरंतर संपर्क में हूँ। तो आने वाले 5 साल के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन एज वेल एज एजुकेशनल हब ये बनाना मेरी प्राथमिकता होगी। मेरा अंतिम सवाल है सर कि जम्मू की जनता को क्या संदेश देंगे? संदेश कुछ नहीं, जनता यहाँ की बहुत ज़्यादा जागरूक है, वो भली भांति इस बात को समझती है, जानती है कि कौन ईमानदारी से पिछले 5 साल और ईमानदारी से रहा हूँ, इन 5 सालों में आया गया हूँ। 2014 में जब प्रत्याशी था लोगों ने बार बार ये बोला कि भैया जीत के जाइएगा तो वापस तो आइएगा ना, पिछले सांसद की तरह कहीं गायब मत हो जाइएगा, ऐसा नहीं कि हम 5 साल तक आपकी शक्ल ही ना देख पाए। एक विस्तृत क्षेत्रफल होने के बावजूद 3 जिले से मिलकर हमारा जमुई लोकसभा बनता है, इसका भूगोल काफ़ी विस्तृत है, मुंगेर जिला की आपकी तारापुर विधानसभा इसमें जुड़ती है, उसके बाद जमुई जिले की चकाई, झाझा, जमुई, सिकंदरा, और उसके बाद शेखपुरा जिले की आपकी शेखपुरा विधानसभा जुड़ती है। उसके बावजूद निरंतर मैंने प्रयास किया कि कभी शेखपुरा में, कभी जमुई में, कभी तारापुर में, निरंतर हर वीकेंड मैंने अपनी लोकसभा में मैंने बिताया है, हर सुख दुख में मैं यहाँ पर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं जनता भी इस बात को समझती है, इस बात को अप्रिशिएट करती है। विकास के कार्य अलग बट उनके साथ सुख दुख में आप खड़े रहें तो वो ज़्यादा महत्व रखता है। तो जम्मू की जनता से बस पुनः इन्हीं सब विषयों पर अपना उनका आशीर्वाद मांगूंगा। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का प्रतिद्वंदी नहीं हूँ, मैं अपना खुद को मैं अपनी चुनौती मानता हूँ, और अगर जनता को लगता है कि पिछले 5 साल मैंने ईमानदार प्रयास किया और कार्य किया उसी के आधार पर जनता मुझे अपना आशीर्वाद दे, मैं सही आग्रह करूँगा। ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के जमुई उम्मीदवार चिराग पासवान जी, कैमरामैन विकास कुमार के साथ मैं केशव कुमार झा, लाइव सिटीज जमुई।